नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। सिंगापुर से नई अपडेट देने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले कोई भी एविएशन रिलेटेड अपडेट आप मिस ना कर सकें। दोस्तों आपको बता दें कि सिंगापुर में करीब 700 यात्री भारत के अलग अलग राज्यों में थे जो कि लॉकडाउन के कारण भारत में फंस गए थे, पर एम्बेसीज को पता लगने के बाद इनको इनके देश वापस भेजने के लिए इंतजाम किए गए। कई सारे ऑपरेशंस चलाए गए जिसकी मदद से न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के एयरपोर्ट्स पर इन लोगों को पहुंचाया गया। इसके बाद सिंगापुर की स्पेशल फ्लाइटों में से जैसे SQ-43 जैसी फ्लाइटें चलाई गई। उसके बाद ये लोग सिंगापुर सुरक्षित पहुंचने के बाद इन लोगों ने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में रखा। इसी संदर्भ में सिंगापुर ने भारत का धन्यवाद किया और कहा कि भारत ने इन कठिन परिस्थितियों में इन ऑपरेशंस चलाकर इन्हें अपने घर पहुंचाया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कुछ फॉरेन वर्कर्स भी इस वक्त सिंगापुर में है जिनको कि वहां के प्राइम मिनिस्टर ली ने कमिट किया है कि किसी भी प्रकार की तकलीफ इनको नहीं होगी सिंगापुर में। अभी के लिए बस इतना ही। रिलेटेड कोई अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलने की आशा करती हूँ। अभी के लिए विदा लेना चाहूंगा, तब तक के लिए देखते हैं इंडियन गुरु। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सब खैर, बाय।